नमस्कार नमस्कार। एक हिल स्टेशन में सड़क के किनारे एक भिखारी बैठा हुआ था। बहुत सर्दी पड़ रही थी और वो ठंड से बचने के लिए अपनी शॉल को अपने साथ और जोर से लपेट रहा था। उस एरिया में चाय के बहुत सारी प्लांटेशंस थी और उस एरिया के सबसे अमीर आदमी शिखावत सिंह, जो कि ज़्यादातर ट्री प्लांटेशंस के मालिक थे, वहाँ से सैर करते हुए गुजर रहे थे। उस समय उनकी नज़र उस भिखारी पर पड़ी। उन्होंने देखा कि लड़का नौजवान है और इसको मैंने यहाँ पर पहले कभी नहीं देखा, तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम भीख क्यों मांग रहे हो, कौन हो तुम? तो उस लड़के ने कहा कि सर, यहाँ पर काम ढूंढने के लिए आया था। कुछ दिन से काम ढूंढते ढूंढते मेरे पास जितने पैसे थे वो ख़त्म हो गए। पिछले 3 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। अब मैं इतना थक गया हूँ कि मुझ में काम ढूंढने जाने की भी हिम्मत नहीं है, इसलिए मैं भीख मांग रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। शिखावत जी ने उससे पूछा कि भाई तुम्हारा नाम क्या है? तो उस भिखारी ने जवाब दिया, नंदू। तो उन्होंने कहा कि नंदू, क्या तुम मेरे साथ बिजनेस करोगे? अब नंदू के लिए तो ये एक बड़ी ही अजीब सी ये बात उसको लगी कि ये व्यक्ति मेरे में क्यों इन्वेस्ट करेगा। उसने कहा, भाई साहब, मुझ में ऐसा क्या है कि मैं आपके साथ मिलके बिजनेस कर सकता हूँ? तो शेखावत जी ने कहा, भाई तुम्हारे पास एक साउंड बॉडी है जिसके अंदर साउंड माइंड है। हो सकता है कुछ दिन से तुमने खाना नहीं खाया तो तुम थोड़े से वीक महसूस कर रहे हो, लेकिन 2-3 दिन के अच्छे खाने से तुम बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाओगे। और मैं तुम्हें ऑफर देता हूँ कि तुम मेरे साथ बिजनेस करो। मैं रोज सुबह तुम्हें जो टी लीव्स के 100 डब्बे दूंगा, यहाँ पे मेन रोड पे तुम एक स्टॉल लगा लो। यहाँ से बहुत सारे टूरिस्ट इस जगह से गुजरते हैं, तो तुमने रोज ये टी लीव्स के डब्बे तुमने यहाँ पर बेचने हैं। तो उसने डरते डरते शेखावत जी से पूछा, मेरा इसके अंदर क्या शेयर होगा? शायद 5%, 10%, ऐसे करके उसने हल्के मुंह से बोला। शेखावत जी ने अपनी उसी समय अपनी कैप को एडजस्ट करते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम स्टार्ट करो, हम ये फैसला बाद में कर लेंगे। और तब उसने अपनी जेब से 100 रुपये का नोट निकाला और उस लड़के को दिया कि तुम जरा नाश्ता पानी करके कल सुबह ये पहाड़ी के टॉप पे जो बंगलो है तो वहां पे मुझे मिलने के लिए आना। तो ऐसे में नंदू एक चाय वाला बन गया। उसने सड़क के किनारे एक स्टॉल लगाया और रोज सुबह वो शिखावत सिंह जी के घर से एक पेटी भर के चाय के डब्बों की लाता था और दिन भर टूरिस्ट को बेचता था। ऐसे करते करते 1 महीना बीत गया। महीने के आखिर में जो पैसे उसने कमाए उसको देखकर उसे हैरानी हो रही थी कि इतने सारे पैसे मैंने कमा लिए। वो पैसे लेकर शिखावत सिंह जी के पास गया और उनके आगे पैसे रख के बोला कि सर, इतनी कमाई हुई है इस महीने में, तो मैं ये आपको देने आया था। शिखावत सिंह बहुत खुश हुए और उन्होंने उन पैसों को 2 हिस्से कर दिया और 1 हिस्सा नंदू को दे दिया और बोला 50-50। तो नंदू इतना खुश हुआ और हैरान हुआ कि मुझे 50% प्रॉफिट मिल गया। उसने भगवान का शुक्र किया, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे 50% प्रॉफिट में शेयर मिलेगा। ऐसे ही समय बीतता गया, अगले महीने और फिर अगले महीने, और हर महीने नंदू को बहुत सारा प्रॉफिट मिलता गया और उसकी सेहत भी अच्छी हो गई, मन भी अच्छा हो गया, चेहरा भी भर गया। ऐसे ही कुछ 8-10 महीने बीत गए। एक दिन जब वो महीने की कमाई लेकर शिखावत सिंह जी के आगे आया तो उसके चेहरे पर कुछ गुस्सा सा था। उसके मन में एक ख्याल आया कि पूरा दिन स्टॉल पर खड़े होके मैं धूप छाँव में ये चाय के डब्बों को बेचता हूँ, शिखावत सिंह क्या करते हैं, उनका तो कोई रोल नहीं है, और 50% प्रॉफिट मुझे उनको देना पड़ता है, इस 50% के ऊपर उनका कोई राइट नहीं है।
ये 100% प्रॉफिट मुझे मिलना चाहिए क्योंकि ये मेरी मेहनत की कमाई है। ऐसा विचार उसके मन में आया तो उसने वो पैसे शिखावत सिंह जी के आगे रखे। आज नंदू बड़े गुस्से से भरा हुआ था। उसने कुछ बुरे शब्द भी शिखावत जी को बोल दिए और ये भी कह दिया कि ये सारी की कमाई पे आपका कैसे इतना हिस्सा बन जाता है। शिखावत जी ने स्माइल किया और वो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखते हैं और वो बोलते हैं, नंदू बेटा, तुम्हारी जो ये आधे हिस्से की कमाई है वो मैंने भी संभाल के रखी हुई है और वो तुम्हारे लिए है। ये भी मैं तुम्हीं को दे दूंगा। मुझे खुशी है कि तुम अपने पांव पे खड़े हो गए। ये तो होगी कहानी, लेकिन कहानी का सार क्या है? अगर आप अपने जीवन की तरफ झांक कर देखें, आपने भी भगवान से कुछ मांगा होगा और कहा होगा कि भगवान, मैं आपको ये दूंगा, मैं अपना अच्छा करैक्टर दूंगा, मैं लोगों की मदद करूंगा, मैं जनता की सेवा करूंगा। लेकिन जैसे जैसे भगवान ने आपको अधिक से अधिक दिया, धीरे धीरे हम सबके मन के अंदर थोड़ा सा लालच आ जाता है। हम सोचते हैं कि ये तो सारी मेरी कमाई है, अब मुझे क्यों किसी के साथ शेयर करनी है। इसके बारे में जरूर सोचिएगा। पानी के अंदर नाव चलती है, लेकिन अगर पानी नाव के अंदर आ जाए तो नाव डूब जाती है। इसी तरीके से अगर मन के अंदर ऐसे भाव आते हैं तो व्यक्ति जो है वो समाप्ति की तरफ आगे बढ़ने लगता है। हमारी इस कहानी से आपकी जीवन शैली में कुछ परिवर्तन आएगा तो सनरेज की टीम को लगेगा हमारा प्रयास सफल हुआ। धन्यवाद। अगर आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो नीचे दिए गए किसी भी लिंक पर क्लिक करें और लॉगिन करें।